और वे क्या हालचाल सबके, कैसे हो सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं प्रो नेशन के बारे में। तो आज किसी ने उनको इंस्टाग्राम पर टैग करते हुए कहा कि आप अपने हेटर्स को कभी भी रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, या फिर जो यूट्यूबर आपको टारगेट करते हैं आप उनको कुछ क्यों नहीं बोलते। तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए वो कुछ ये कहे, अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं की, इन सब चीजों से हम दूर ही रहते हैं, कोई कुछ बोलता है तो भी रिप्लाई नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि क्रिएटर्स गलत है या फिर करने से डरते हैं। द फैक्ट इज दैट एंड इसके बाद वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, आप खुद देखिए वो क्या कहे। जीरो से लेकर मिलियन तक नीट एंड क्लीन कंटेंट पोस्ट करने के बाद अब आप क्या करते हो कि अपने जो ऑडियंस है, और आपको पता है कि फ्री फायर में छोटे बच्चों वाली ऑडियंस है, उनको आप कंट्रोवर्सी दिखाते हो एंड देन गालियां देते हो, वो गाली देता है, और ये स्ट्रीम पर वीडियोस में लड़ाई झगड़े वाली मतलब लाइक चीज़ें आप दिखाते रहते हो, तो जो छोटे बच्चे उन पर क्या मतलब उनका माइंडसेट आप बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हो, पता है उनको लगेगा कि ये जो यूट्यूबर्स है ये लड़ाई झगड़े करके ही मतलब इतने सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, तो उनका भी माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद से कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं होगा जो अच्छे तरीके से कभी आगे बढ़ पाएगा। हर किसी को क्यों ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोवर्सी की, इसको गाली दो देन आप गाली दोगे देन आप रिप्लाई करोगे, ये सब चलता रहेगा। दैट्स व्हाई गाइस कोई बोलना नहीं चाहता, वरना जबान सबके पास है। और 9 साल की पब्लिक को डीजे आलोक से डाइवर्ट करके गाली देना सिखाओ, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहो। एंड बोले, यस, मेरा किसी से कोई मैटर नहीं है, ना ही था, बस आपको रिप्लाई करना था क्योंकि कुछ लोग मेरे को डीएम में बोल रहे थे इसके बारे में कुछ बोलो, कुछ रिप्लाई करो। गाइस, कमियां सब में होती है, बस फर्क इतना है वो आपको एक एक पॉइंट पे ट्रिगर करते हैं, हम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको ट्रिगर कर रहा है वो दूध का धुला है। तो भाई आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भाई अभी भी आप में से ऑलमोस्ट 40% लोग हमारी वीडियोस को डेली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो भाई जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं जहां पे आपको पता चलेगा कि भाई पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में क्या कुछ चल रहा है और आपको हर एक यूट्यूबर का न्यूज एंड अपडेट मिलता रहेगा, तो याद से कर लीजिएगा। एनीवेज चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, एंड हम बात करने वाले हैं लोकेश गेमर के बारे में। सो फाइनली इनका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई हो गया। जी हां गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी, सो हार्टी कांग्रेचुलेशन टू लोकेश गेमर। एंड गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक पूरे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में सिर्फ 3 ही यूट्यूबर्स का अकाउंट वेरीफाई हुआ है, पहला टू साइड गेमर, दूसरा एस गेमिंग एंड अभी लोकेश गेमर। एंड एस गेमिंग का बात चल रहा है तो रिसेंटली अपने चैनल पे एक जर्नी टाइप वीडियो अपलोड किए जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये किस तरह से 0 से लेके 8 मिलियन तक पहुंचे हैं एंड और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात किए अपने वीडियो में। तो अगर आपको ये देखना है देन इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको उसी का छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखाया, बता देता हूं। तो गाइस, मैंने ना एक सैमसंग का मोबाइल था मेरे पास जिसकी सिर्फ 4 GB रैम थी, तो मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले शौक था यार कि यूट्यूब करूंगा, मैंने यूट्यूब जब अपने मोबाइल के अंदर यूज करना स्टार्ट किया तो मेरे को भी लगा था भाई यूट्यूब करूंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, यूट्यूब वगैरह करूंगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया एक बार, तो मतलब बहुत मुश्किल था। एक बार मैंने, सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैंने टेक का चैनल खोला था, गेमिंग का चैनल नहीं खोला था, तो ये भी बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं होगा। तो मैंने टेक का चैनल खोला था और टेक के चैनल पे मैं फेस कैम के साथ वीडियोस बनाता था, बट उतना पता नहीं था, मैंने सिर्फ एक दो वीडियो डाली और मैंने सोचा भाई अब तो ग्रो हो जाएगा, एक दो वीडियो डाल के ग्रो हो जाएगा चैनल। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता गया बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो बहुत सारी मैंने वीडियोस वगैरह डाली लेकिन कुछ मतलब व्यूज आते ही नहीं थे भाई, मतलब मैं इतनी शेयर करता था इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे, मतलब सब दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और मुश्किल से मेरे 60 सब्सक्राइबर हुए, मतलब 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे भाई, 100 सब्सक्राइबर। और भाई मैंने सोच लिया था कि यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ, एंड बात करने वाले हैं देसी गेमर के बारे में। तो आज उनके किसी एक सब्सक्राइबर ने उनको इंस्टाग्राम पे टैग करके दिखाया कि उनके वीडियो को एमटीवी के ईस्पोर्ट 360 शो पे दिखाया जा रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए वो कहे, ये कब हुआ। एंड इसके कुछ ही देर बाद वो एक और स्टोरी पोस्ट किए जिसमें लिखा था, द लायन एंड द टाइगर मे बी मोर पावरफुल बट द वुल्फ डजंट परफॉर्म इन सर्कस। क्या लगता है आपको, इन्होंने ये थॉट को से शेयर किया है या फिर इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, एंड बात करने वाले हैं पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो गाइस, आप सबको याद होगा कि लास्ट वीडियो में इनके रिगार्डिंग एक न्यूज कवर किया जिसमें ये बताए थे कि ये ई-स्पोर्ट को छोड़ रहे हैं। तो उसी के बाद ये अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर किया जिसमें लिखा था, हाफ माइंडेड लोग गेम खेलना सीखो तब ज्ञान देना, हैक बेचने का धंधा बंद हो गया तो दूसरों के नाम पे व्यूज छाप रहे हो, दूसरों का माइंड वॉश करता है, माफ नहीं करेंगे तेरे तुझे अल्लाह, ऐसा मत कर, शर्म कर, अपनी इन पचकानी हरकतों को छोड़ दे। एंड इसके बाद वो काफी सारे स्टोरीज पोस्ट किए जहाँ पे वो स्काईलॉर्ड के बारे में बात किए। एंड हाँ, स्काईलॉर्ड अभी तक इस चीज पर रिएक्ट नहीं किए हैं लेकिन अगर वो करते हैं देन वो चीज मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अब आप खुद देख लीजिए वो क्या कर। भाई वीडियो के अंदर ऐसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, कहता है कि मैं स्नाइपर का क्रेज लाऊं, मतलब स्काईलॉर्ड स्नाइपर का क्रेज लाया है। रियली तू स्नाइपर का क्रेज लाया है, हमें तो स्नाइपर चलानी नहीं आती सर, एक टिप्स एंड ट्रिक बता दो यार स्नाइपर को। भाई बेवकूफ इंसान, ज्ञान गेमिंग पिछले 1 साल से स्नैपर चला रहा है, टोटल गेमिंग पिछले 1 साल से स्नैपर चला रहा है, पहाड़ी गेमिंग मैं, तो
तुम्हारा पापा पिछले एक साल से स्नैपर चला रहे हैं, बेस्ट स्नैपर ऑफ द ईयर भी मिला हुआ है, ठीक है। और क्या क्या गिनाऊं तेरे को, ऐसे बहुत प्लेयर है, बाला को ले ले तू, वासियों को ले ले तू, ठीक है, और अमन को ले ले, ठीक है, इतने स्नैपर प्लेयर्स के नाम गिना दूंगा मुझसे लाख गुना अच्छे स्नैपर चलाते हैं, तू स्नैपर का क्रेज लाया। अबे चूचू भाई मैनिपुलेट करना बंद कर, ठीक है, लॉजिकल वे में बातें कर। और क्या बोलता, कैरी मिनाती ने टिकटॉक को रोस्ट करने से पहले परमिशन ली थी। अबे कैरी मिनाती तेरा पापा है, उसने बैन करा है टिकटॉक को, हैं, उसने बैन करा है। अबे भाई क्या मैनिपुलेट करता है तू, बेवकूफ इंसान, शर्म कर बे, शर्म कर, अब तो शर्म कर भाई, तेरे 8 लाख हो चुके हैं बे, थोड़ी तो मतलब तू लोगों को ठीक वे में इन्फ्लुएंस कर सकता है। 8 लाख सब्सक्राइबर बहुत बड़ा नंबर है, 8 लाख समझ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो ढंग से इन्फ्लुएंस कर। जो तेरे पास पब्लिक है ना, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि बड़े किसी के मुंह नहीं लगते, किसी को गाली नहीं देते, उनमें दिमाग होता है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तेरे में भी जो सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी तेरे, वो भी छोटे ही हैं, ठीक है, तो उन्हें ठीक चीज़ सीखा मैनिपुलेट करने से अच्छा बता कि कैसे टूर्नामेंट खेलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं क्या बोलूँ यार तुझे, मैं तू तो तेरे पता दिमाग ही नहीं है, इसको भी तू उल्टा वे में ले जाएगा, मुझे पता है ना, तू चूतिया है, चूतिया था, चूतिया रहेगा। और हाँ एक चीज़ और बोल रहा था अपनी वीडियो में कि मैं बिना खेले इनकी टीम को टॉप 5 नहीं आने दूंगा। अबे तेरे पापा भी आ जाएंगे ना, तब भी मेरे को टॉप 1 आने से नहीं रोक सकते, बोल और बता, जब मुँह पे कह रहा हूँ तो किसे बोलेगा, सब चूतिया नहीं है, इंडिया की सारी बेस्ट टीमें साथ में हैं, चूतिया नहीं है वो, अपना गेम खराब करने के लिए तेरी सुनेंगे, ठीक है। या तू चूतिया नहीं जो हैकर डलवा देगा, घरे ना पागल नहीं है, जो तेरे हैकर तू भेजेगा उन्हें हटाएंगे नहीं। मैं तो अकल ला अकल, तेरी टीम भी आई थी ना, क्या नाम था उसका, स्काई लॉर्ड करके टीम आई थी ना तेरी, पिटके गई थी ना कुत्तों की तरह, चुप रहे, खेल उनके साथ, सिखा उन्हें कैसे गेम खेलते हैं, तो उससे लाख गुना अच्छी तो तेरी टीम है जो खेलती है, तेरी तो वो भी बस की नहीं है, एक के अलावा कुछ चलाना आता है तेरे को, बता मेरे को। और कंपटीशन से सिर्फ कायर लोग डरते हैं, ठीक है, मेरा कंपटीशन बढ़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे को खुशी है इस चीज़ में, ठीक है। और बात रही ब्लू जोन की, ब्लू जोन बेटा वो हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, और हमारी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं है, जाके देख मैचेस, जाके देख रिकॉर्ड में कि पापा कहाँ उतरते हैं, ठीक है, टीम कहाँ उतरती है, टीम इलीट कहाँ उतरती है, देख, किसी को नहीं पता टीम इलीट कहाँ उतरती है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ब्लू जोन कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है हमारा, M82 भी बहुत जगह मिलती है, तुम्हें ये भी नहीं पता M82 पूरे मैप में ब्लू जोन के अलावा और कहाँ मिलती है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, पता है तुम्हें, नहीं पता, तो ये भुगलैंडी हमारे आगे झाड़ना बंद कर दो, ठीक है, लाइन पे आ जाओ थोड़ा, है आओ टूर्नामेंट में, मैदान में उतरो, लड़ो हमसे 1v1, एंड ऑफ गेम, मेरे नाम पे व्यूज, ठीक है, 5 लाख व्यूज, खुश हो जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। न्यू अपडेट कुछ नहीं बताया अंदर, केला घन आने वाली है भैया, ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम कि केला घन आने वाली, हेलीकॉप्टर आने वाले हैं, हेलीकॉप्टर आने वाले हैं चाचा, ठीक है, तुम्हारे पापा लाए थे ना हेलीकॉप्टर 4 दर्जन, ठीक है। और ये देखो चूतिया आप, कुछ नहीं है इस वीडियो में भी, ये देखो चाइना के गेम प्रमोट कर रहे हैं चाइनीज ऐप को, और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि अमित भाई तो चाइनीज ऐप यूज़ करते हैं, टोटल गेमिंग चाइनीज ऐप को प्रमोट करता है। अबे लोडू तेरी वीडियो देख, ये क्या है, ये ठट्टी है भाई सारे, ये स्कैम 2020, हर वीडियो के अंदर मेरा जिक्र है, टोटल गेमिंग का जिक्र है, ये देख चूचू सुधर जा, सुधर जा, ये नूबरू तेरा पापा लग रहा है भोसड़ी के, खाली सुनेगा मेरे मुँह से अब, पता नहीं किस किस का फोटो लगा रखा है, ये देख, हाँ राइस स्टार वाली कहाँ गई, वो राइस स्टार को पापा बना के लाया था, वो भी पड़ी होगी। ये देखो स्काई लॉर्ड के अंधभक्तों और खुद स्काई लॉर्ड चूचू, ये देख मोस्ट पॉपुलर वीडियो तेरे चैनल की, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो, ठीक है, ये देख तुम्हारे राइस स्टार पापा जिनको तुमने एक्सपोज करा, ठीक है, और बुलाया, आ जाओ राइस स्टार भैया, थोड़ा सा हमें सिंपथी दिला दो जो हमने तुम्हें गाली दी थी, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अज्जू भाई, ठीक है, अज्जू भाई के नाम पे फुल कैड़े वाले व्यूज छाप है, ये देखो लोकेश को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमने फ्री फायर के सपोर्ट में बोला, पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा करा, लेकिन इसमें भी तुमने सिंपति गेन करी। ये देखो ताहिर को भी नहीं छोड़ा भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, अकाउंट डायमंड, ये देखो TSG लगा दिया, 900 के व्यू आ गए ये, हैं टोटल 1 टैब, यहाँ पर भी कुछ भुगलैंडी करी होगी, अभी मेरे पे इतना टाइम नहीं है इसकी वीडियो खोल के देखूं, लगा दी अमित भाई की फोटो, 9 ईयर ऑडियंस, खुद के पास देख घड़ी है इंसान, ये देखो लगा दी, छाप दी TSG और SYT, अभी तू देख भाई, तू देखता जा।
तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल वो अपने सेकंड चैनल पे संकेत महात्रा के साथ कोलैब किए। जिनको नहीं पता कि ये कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेनली साउथ इंडियन मूवीज का डबिंग करते हैं ताकि हम लोग को हिंदी लैंग्वेज में समझ आ सके। तो उसी बीच टोटल गेमिंग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो भी अपकमिंग मूवी होगा जिसमें आप डबिंग करोगे, उसमें क्या आप कोई भी कैरेक्टर मेरे नाम से रख सकते हैं, यानी कि अजय नाम से। एंड इसके बाद क्या सीन हुआ मैं आपको उसी का छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। सर जी, साउथ फिल्म के अंदर मेरा कोई वो आ सकता है, मेरे नाम का कोई विलन आ सकता है क्या? तो कभी मैं अगर डब कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में करने के टाइम, अभी तो अभी ही नहीं होता इतना, बट पहले हम कैरेक्टर्स वगैरह के नाम भी खुद ही डिसाइड कर लेते थे। अरे सर जी, तो कई बार इंजीनियर का नाम या डायरेक्टर का नाम वगैरह, हम जो गुंडे के साथ साइड में जो नहीं होते नंबर वन नंबर टू के जो गुंडे होते हैं उसके साथ जो लेफ्ट राइट में खड़े होते हैं, उनके नाम वगैरह वो डायरेक्टर का नाम डाल देते थे या इंजीनियर का नाम डाल देते थे कि चल हरीश चल, तू चल कल्पेश, तू भी चल, ऐसे करके हम तो ऐसा अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं डाल दूंगा अजय तू भी चल करके, और फिर मैं बता दूंगा कि वो फिल्म में तुम्हारा नाम लिया है मैंने। हाँ पक्का, ऐसा करना कोई वैसी मूवी हो ना संकेत भाई, जिसके अंदर बहुत तगड़ा कोई हैकर बेकर हो, जो मतलब सबका हैकर हो गया, उसको नाम मेरा दे दो फिर देखो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया है, याद से फॉलो कर लीजिएगा। एंड हाँ, मैं आपको मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।